राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लाइफ विद पुनीता। और मैं पुनीता, कैसे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे हैं। और आज का मेरा जो ब्लॉग है, मैंने दोपहर से ही स्टार्ट कर दिया है। आज मैं दोपहर में आम का मुरब्बा बना रही थी, तो सोचा कि ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे घर के आसपास आम का बगीचा, बहुत सारा बगीचा है, और जिनके घर पे बगीचा है उन्होंने ही मुझे ये आम दिया था कि इसका आप कुछ बना लीजिएगा। मैंने सोचा पहले देखती हूँ कि आम सही है तो फिर मैं अचार बनाने के लिए ले लूँगी। अगर मैं अचार बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे पहले पील कर लिया है, सारे मैंगो को मैंने धुल लिया है और अच्छी तरीके से इसे पोंछ लिया है, बिल्कुल पानी ना लगा रहे वरना ये जो मुरब्बा बना रही हूँ वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने आम को अच्छी तरह से पोंछ लिया है कि पानी आम पर ना लगा रहे और मुरब्बा काफ़ी टाइम तक चले। ये मुरब्बा कम से कम एक महीना तो आप स्टोर करके रख सकते हैं। और मैंने जो मैंगो है उन्हें छीलकर और इन्हें सारे मैंगो को मैंने ग्रेट कर लिया है, कच्चे मैंगो को। रुपेश को ये मुरब्बा बहुत पसंद है, इस तरीके का मुरब्बा आम का, और वो बैठ के देख रहा है कि कब बनेगा और मैं कब खाऊँगा इसको। और फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस पे, हमें कढ़ाई को गर्म नहीं करना है। और इसमें जो मैंने मैंगो को ग्रेट किया था उसे मैं इसमें डाल दूंगी। और अगर आप एक किलो आम लेते हैं तो आप एक किलो के लगभग ही चीनी लीजिएगा। आम के हिसाब से अगर आम ज़्यादा खट्टा होगा तो ज़्यादा चीनी लगेगी, और आम थोड़ा मीठा होगा तो कम चीनी लगेगी। तो पहले आप आम चेक कर लीजिएगा कि आम ज़्यादा खट्टा है या कम खट्टा है। ये आम तो ज़्यादा खट्टे नहीं थे इसलिए मैंने कम चीनी डाली है। करीबन ये एक किलो आम था तो मैंने इसमें तीन पाव के लगभग चीनी डाली थी। फ्रेंड्स, ये लो फ्लेम पे बनता है, हाई फ्लेम पे नहीं बनता है। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये इसकी चाशनी जल्दी से जल जाएगी और जो आम के रेशे हैं वो अच्छी तरीके से घुले भी नहीं रहेंगे। और लो फ्लेम पर बनाने से जो इनके आम के जो रेशे हैं वो अच्छी तरीके से पक जाते हैं। तो मैंने देखिए इसमें इतनी चीनी ऐड की है क्योंकि ये आम मीठे थे तो मैंने कम चीनी ऐड की थी। अब मैं इन्हें मिक्स कर दूंगी और तब तक चलाऊंगी जब तक चीनी पिघल ना जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी पिघल गई है। अब मैं इसमें फूड कलर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और एक चम्मच मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, जीरा, खड़ा जीरा, अजवाइन खड़ा, और ये पचफूरन है। मैं इन तीनों को एक साथ मिक्स करके और इन्हें भून लूँगी और इसका पाउडर बना लूँगी, और मैं बीच बीच में मुरब्बे को चलाती रहूँगी। फ्रेंड्स, इसे हमें बार बार चलाते रहना है, जितना हम इसे चलाएंगे उतना ही ये जल्दी पकेगा। फ्रेंड्स, मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया है, ये चीनी है जो पिघल के ये देखिए कुछ इस तरह से हो गई है। फ्रेंड्स, इस मुरब्बे को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मुरब्बा कैसा लगा। आप इसे नान या रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है ये। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, करीबन आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक डालूंगी, और मैं लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डालूंगी। फ्रेंड्स, ये तीखी वाली नहीं है, ये सिर्फ कलर देगी। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लीजिएगा। और मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालूंगी और एक चुटकी के हिसाब से, एक चुटकी हो उतनी मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी। फूड कलर ऐड करने से इसका कलर काफ़ी अच्छा लगता है और ये पूरा रेड कलर का दिखता है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। और अब मैं इन्हें मिक्स कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर इसका आया है। और अब मैं जो जीरा, अजवाइन और पचफूरन को एक साथ मिक्स की थी उन्हें मैं भून लूँगी। जब इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए तब समझ लीजिए कि ये भून चुकी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मसाले जो हैं ये भून चुके हैं। और अब मैं इनका पाउडर बना लूँगी, इस पाउडर को मैं मुरब्बे में ऐड कर लूँगी। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आम पापड़ी भी बनती है, मैं कभी बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इन मसालों को मिक्स करके गैस को ऑफ कर दूंगी क्योंकि अगर इसे ज़्यादा मैं थिक करूंगी तो ये हार्ड हो जाएंगे और ये उतने अच्छे नहीं लगेंगे। और जब इस इतने ही फॉर्म में उतारने के बाद भी ये ठंडे होने पर ये थोड़े और गाढ़े हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये कितना गाढ़ा हो गया है, अभी और जम जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा होने पर इतना थिक हो गया है, ये देखिए। और ये बहुत टेस्टी बना था, बच्चों ने तो 2 दिन में ही इसे ख़त्म कर दिया था। और मैं छत पे आ गई हूँ और अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं। और मैंने आप सभी को बताया था ना कि अगर पौधे जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगे तो मैं नए पौधे लाकर लगा दूँगी। मैंने 15-20 दिन तक इनकी देखभाल की पर ये ग्रो नहीं हुए, ये अंदर से पूरी तरीके से सूख गए थे। जब मैं इन्हें तोड़ रही थी तो इनके अंदर जो नमी थी वो ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं अब इनमें दूसरे नए पौधे लगा रही हूँ। ये जो मधुमालती का पौधा था ये काफ़ी अंदर से इसकी जो जड़ है वो फैल गई थी और मुझे बहुत दिक्कत हुई इसे निकालने में। बाकी सारे तो आसानी से निकल गए पर इसमें मुझे बहुत टाइम लगा, मेरे बच्चे और हस्बैंड ने भी काफ़ी कोशिश की। फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी मिट्टी निकाल के उसके बाद इसे निकालती हूँ। और फ्रेंड्स ये देखिए निकल गई है, अब मैं सारी मिट्टी गमले से बाहर निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स इस गमले को मैंने बनाया है और ये सीमेंटेड गमला है और जो इसके मैंने 2 इसमें होल बनाई थी, मैं वहाँ जो दिया होता है मिट्टी का दिया वो रख देती हूँ ताकि पानी जो है वो आसानी से बाहर चला जाए। मैंने इसमें गुड़हल का पौधा लगाया है। फ्रेंड्स मुझे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि वो अच्छी तरीके से ग्रो करें। मैं समय समय पर इनमें खाद और जो गोबर का खाद होता है वो भी मैं इसमें डालती रहती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये गुलाब लिया था एक और एक गुड़हल का पेड़ लिया था और इसमें छोटे छोटे फूल खिलते हैं, नाम मुझे नहीं पता है इसका, ये पौधा मैंने लिया था। और एक समी का भी पेड़ लिया था क्योंकि समी भी सूख गया था। और मैं अभी 4 ही पौधे लाई हूँ, बाद में और सारे लाऊंगी। पहले वाले पौधे जो थे उनमें से फ्लावर भी मिल जाते थे मुझे पूजा के लिए, पर अब देखिए नए पौधे मैं लगा रही हूँ इसमें कब फूल खिलते हैं। थोड़ा समय लगेगा पर ये भी ग्रो कर जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल जो गुड़हल है वो नए लीफ भी नहीं दे रहा है, लग गया है वो पर अभी उसमें से कोई नई पत्ती या कोई भी कली नहीं आई है। और देखते हैं कब ग्रो करता है ये। जब तबीयत ठीक हुआ और मैं घर आई तो मैंने देखा कि सारे पौधे सूख गए हैं क्योंकि ये गमले में हैं और घर पर कोई था नहीं पानी देने वाला। और मैं जब इन्हें देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि सारे पौधे सूख गए हैं। और काफ़ी दिन तक मैंने इंतज़ार भी किया कि ये लग जाएंगे पर वो नहीं लगे। दूसरे गमले में मैंने समी का पौधा लगाया है। मैं समी का पूजा करती हूँ, सुबह जल देती हूँ, शाम को दिया भी जलाती हूँ और आज मौसम बहुत अच्छा था इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज लगा देती हूँ। हमारे यहाँ बारिश भी हुई है इसकी वजह से मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था और गर्मी नहीं लग रही थी तो हमने सोचा कि चलते हैं आज गमले में पौधे ही लगा देते हैं। मौसम ठंडा था और हवा भी चल रही थी इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा था और पसीना भी नहीं हो रहा था क्योंकि गर्मी ही नहीं थी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर करिए। मैंने सारे पौधों को लगा लिया है और ये देखिए फ्रेंड्स, ये एलोवेरा का पौधा है और ये इसमें बहुत ज़्यादा फैल गया था, इसे अब बड़े गमले की ज़रूरत थी तो मैंने इस छोटे वाले गमले में से निकाल कर इसे इस बड़े वाले गमले में लगा दिया। और अब छत पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसे तो छत पे आती थी तो पूरा सूखा सूखा ही पौधा दिखता था और आज लगाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़ी बहुत हरियाली हो गई है। और इस छोटे गमले में मैं जो छोटे फ्लावर वाला पौधा लाई थी इसका नाम मुझे नहीं पता है पर ये पिंक और येलो में खिलता है और बहुत सुंदर लगता है इसका फ्लावर। और ये गर्मियों में ही खिलता है, ठंडी में ये नहीं खिलता है तो मैं इन गमलों में ठंडियों में दूसरे पौधे लगा देती हूँ। और आज छत पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। और पौधे लगाने के बाद से दूसरे दिन से ही तो बारिश शुरू हो गई थी और अभी तक बारिश हमारे यहाँ बरस रही है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पानी जो है वो बरस रहा है कि नहीं बरस रहा है। अब हमने सारे पौधों को लगा लिया है और हमने छत को भी क्लीन कर दिया है, छत को धूल भी दिया था क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो गई थी छत। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़े जब ये बड़े होंगे तो और खूबसूरत लगेंगे। और ये जो बाकी के गमले हैं इनमें भी मैं पौधे लगा दूंगी। फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।
प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और ब्लॉग को मैं यही समाप्त करती हूँ अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।